अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आप देख रहे हैं ऑटो सॉल्यूशन, मेरा नाम है नबील अशरफ। व्यूवर्स, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, सो आज थोड़ी सी फुर्सत मिली, सोचा कुछ जनरल नॉलेज आपके साथ गाड़ी से मुतल्लिक शेयर करता चलूँ। हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने काफ़ी देर पहले हमें कमेंट किया कि हमें गाड़ी से मुतल्लिक इंजन के साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंजन से रिलेटेड पार्ट्स हैं उनके बारे में बताएँ, उनका काम क्या होता है और ये कैसे वर्किंग करते हैं। तो सोचा आज इसी से मुतल्लिक आपको एक जनरल नॉलेज शेयर कर देता हूँ कि इंजन के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के इंजन के साथ अटैच्ड पार्ट्स होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनका नाम क्या है और इनका काम क्या होता है। व्यूअर्स, जैसे ही आप गाड़ी का हुड उठाएंगे आपको इंजन रूम के अंदर इस तरह का कुछ डिस्प्ले नज़र आएगा। इसके अंदर इंजन है, इंजन के साथ गियर है और इस इंजन और गियर में मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो पार्ट्स अटैच होते हैं जो इंजन वर्किंग के साथ काम करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन से पार्ट्स हैं, कहां पे मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होता है। व्यूअर्स, जैसा है कि हम राइट साइड पे आएंगे तो हमें यहां पे कुछ तीन चार चीज़ें मिलेंगी। ये हर गाड़ी में होती हैं लेकिन इनकी लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हर गाड़ी में मौजूद होती हैं। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये फ्यूज़ बॉक्स है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्यूज़ हैं, मसलन फ़ैन से मुतल्लिक, रेडिएटर फ़ैन से मुतल्लिक, हेड लाइट टेल लाइट से मुतल्लिक फ्यूज़ है, एयर जो इसके अंदर एसी का पंखा होता है, ब्लोअर फैन से मुतल्लिक फ्यूज़ और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के फ्यूज़ इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो आप फ्यूज़ देख रहे हैं ये कुछ फ्यूज़ हैं, इनके नंबर होते हैं 15 नंबर का, 20 नंबर का, 30 नंबर का और फ्यूज़ के साथ से कुछ रिले भी अटैच हैं। अगर इनमें कोई रिले ख़राब होगी या फ्यूज़ ख़राब होगा तो आपकी गाड़ी का जिससे मुतल्लिक फ्यूज़ या रिले ख़राब हुई है वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो कोई भी चीज़ जो अगर आपकी फ़ैन ब्लोअर ख़राब है या आपका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा, हेडलाइट काम नहीं कर रही या आपका कंप्रेसर काम नहीं कर रहा, इस तरह की कोई कुछ भी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हैं उनको उनका फॉल्ट डायग्नोस करने से पहले आप फ्यूज़ बॉक्स के पास आएँ और फ्यूज़ बॉक्स में आप इसको चेक करवाएँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, फ्यूज़ कोई ख़राब होगा या रिले ख़राब होगी तो आपकी गाड़ी का जो इससे रिलेटेड सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। इसके साथ ही आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ये इसकी कंप्यूटर डिवाइस है। जो कंप्यूटर गाड़ियाँ उनके अंदर एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जो इस तरह कुछ ब्लैक कवर के साथ कवर होती हैं और कुछ ऐसे ही होती हैं। ये डिवाइस इसी साइड पे मौजूद होती हैं कुछ इस, लेकिन इनकी लोकेशन चेंज हो सकती है, कुछ डिवाइस प्लेट की तरह पड़ी होती हैं, कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल खड़ी होती हैं, लेकिन ये कंप्यूटर डिवाइस हर गाड़ी कंप्यूटर गाड़ी में ज़रूर मौजूद होती है। इसका काम होता है कि आपकी गाड़ी के कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना। इसके साथ ही बैटरी है, बैटरी के साथ दो टर्मिनल हैं जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। इसके साथ ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर एयर फिल्टर है, इसको एयर फिल्टर बॉक्स बोलते हैं। गाड़ी यहाँ से हवा लेती है, हवा का गुजरगा होता है इसलिए इसको साफ रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। इस एयर फिल्टर बॉक्स के ऊपर एक सेंसर लगा है, इसको एयर फ्लो सेंसर कहते हैं। ये हवा को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद देता है, अगर इसमें फॉल्ट होगा तो आपकी गाड़ी के पेट्रोल कंजप्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करेगी अगर इस सेंसर में कोई फॉल्ट होगा तो। इसके साथ ही व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये रेडिएटर का कैप है, यहाँ से तो हर आदमी को पता है तकरीबन पानी कम हो तो पूरा किया जाता है। बैटरी के साथ हर गाड़ी में एक ये रिज़र्व कैन होती है, रिज़र्व वाटर कैन होती है, अगर मतलब अगर आपकी गाड़ी में पानी कम हो गया तो ये जो रिज़र्व कैन है इसमें पानी होना चाहिए इसके मैक्सिमम लेवल तक। जब रेडिएटर में से पानी कम होता है तो गाड़ी एक सिस्टम के अंडर जो है वो रेडिएटर कैन, इसके रेडिएटर का रिज़र्व कैन है, इसमें से पानी ले लेती है। इसके बाद व्यूअर्स, ये रेडिएटर का पाइप है, रेडिएटर के पाइप के ज़रिए यहाँ से पानी इंजन और रेडिएटर में से क्रॉस होता है। इसके साथ ये टैपर्ड कवर है, टैपर्ड कवर के साथ ये जो आप चार देख रहे हैं ये इसकी गाड़ी की कॉइल्स हैं। अगर चार सिलेंडर गाड़ी है तो चार कॉइल्स होंगी, छः सिलेंडर गाड़ी है तो छः होंगी, आठ सिलेंडर गाड़ी है तो आठ कॉइल्स होंगी, चार फ्रंट पे और चार बैक साइड पे। इसके साथ जो ये आप देख रहे हैं ये इसका इलेक्ट्रिकल ग्रिप है। आप अगर आपकी कोई एक कॉइल या गाड़ी मिसिंग कर रही है या आपकी गाड़ी का कोई एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा तो आप इस ग्रिप को रिमूव करके चेक कर लें कि कौन सी कॉइल काम नहीं कर रही। आप वन बाय वन इस ग्रिप को रिमूव करेंगे तो अगर इसके रिमूव करने से गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर दे या गाड़ी झटके लेना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि कॉइल काम कर रही है। अगर वापस लगाएंगे तो गाड़ी ठीक हो जाएगी, तो इसका मतलब है कॉइल काम कर रही है। और अगर इसको रिमूव करने से, किसी एक को भी रिमूव करने से गाड़ी की मिसिंग के ऊपर या गाड़ी के कोई गाड़ी को कुछ फ़र्क नहीं है पड़ रहा, मतलब अगर आप रिमूव करते हैं तो गाड़ी स्टिल सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है कि वो कॉइल जो है वो काम नहीं कर रही। इसके आगे व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है। बाज़ गाड़ियों में दो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, बाज़ में एक ही होता है। इसमें मेरे ख्याल से दो ऑक्सीजन सेंसर हैं, एक ऊपर मैनिफोल्ड के साथ लगा हुआ और एक इसके नीचे लगा हुआ होता है। ये ऑक्सीजन सेंसर भी गाड़ी के पेट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं।
अगर ये ऑक्सीजन सेंसर भी ख़राब होगा तो आपकी गाड़ी का जो फ्यूल सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाएगा और गाड़ी की कंजप्शन बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगी। आप होज देख रहे हैं, ये ब्रेक फ्लूड का होज़ है। अगर गाड़ी में ब्रेक फ्लूड कम होगा तो ब्रेक फ्लूड यहाँ से फिल किया जाएगा, इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें ब्रेक फ्लूड डाल देंगे। इसको हमेशा जो इसका मैक्सिमम लेवल है यहाँ तक रखना चाहिए। इसके साथ ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये लो प्रेशर का एसी का पाइप है, सॉरी ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये हाई प्रेशर का एसी का पाइप है और इसके साथ ये लो प्रेशर का एसी का पाइप है। अगर आपका एसी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है तो आप इस पाइप को पकड़ के देख सकते हैं बजाय अंदर जाके हवा चेक करने के। अगर ये पाइप लो प्रेशर वाला ठंडा है तो इसका मतलब है कि एसी सही कूलिंग कर रहा है, काम कर रहा है। अगर ये प्रेशर का जो लो प्रेशर का पाइप है ये एसी चलाने के बाद ठंडा नहीं हो रहा, कूलिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि एसी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ये हाई प्रेशर का पाइप है। जब भी गैस को इसकी रिफ़िल किया जाता है एसी को गैस को, तो हमेशा इसी वॉल से जो है वो गैस को रिफ़िल किया जाता है जो लो प्रेशर का पाइप है। ये नीचे कंडेंसर के साथ अटैच होता है और यहाँ से ये एक्सपेंशन वॉल के साथ अटैच होता है। इसके साथ ये जो आप होज देख रहे हैं ये इसका स्टेयरिंग का जो इसका स्टेयरिंग रैक होता है उसका ये होज़ है। अगर आपका स्टेयरिंग ऑयल कम है या इसका लेवल कम है तो आप इस होज़ का ढक्कन खोल के इसमें स्टेयरिंग ऑयल को पूरा करेंगे। इसके साथ ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये स्लोगो जो देख रहे हैं, ये वाशर फ्लूड का जो होज़ है, मतलब अगर आपने आपकी गाड़ी का वाशर फ्लूड कम है, जो विंडशील्ड के ऊपर जो पानी हम फेंकते हैं उसका अगर वाशर फ्लूड कम है, तो ये तकरीबन हर आदमी को पता है कि इसका जो पाइप है पानी है वो यहाँ से रिफ़िल करेंगे। आजकल जो ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग है, उनमें ये सिस्टम नहीं होता, मतलब स्टेयरिंग ऑयल वाला होज़ नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग होती है, उसमें ये ऑयल नहीं चलता। इसके साथ ही व्यूअर्स, ये जो आप एक डिवाइस देख रहे हैं इस जगह पे, जिसको ये चार पाइप लगे हुए हैं, ये आपकी गाड़ी का एबीएस है, यानी एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है। ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम जब आप किसी इमरजेंसी की सूरत में ब्रेक प्रेस करते हैं, अचानक ब्रेक प्रेस करते हैं ज़ोर के साथ, तो ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो गाड़ी के दोनों व्हील्स को, फ्रंट व्हील्स को और जो रियर व्हील्स हैं उनको जैम कर देता है, जिससे गाड़ी राइट या लेफ्ट स्लाइड नहीं करती और हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं, इसका यही काम होता है। इसके बाद व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी का जनरेटर है, इसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, इसको डायनमो भी कहते हैं और इसको जनरेटर भी कहते हैं। ये गाड़ी की बैटरी की कंजप्शन के साथ साथ, जैसे ही गाड़ी की बैटरी कंज्यूम होती है तो उसका काम होता है कि गाड़ी की बैटरी को रिचार्ज करना। अगर ये जनरेटर या डायनमो गाड़ी की बैटरी को ओवरचार्ज करेगा, इसका मतलब है ये ख़राब है, गाड़ी की बैटरी को ख़राब करेगा। और अगर ये कम चार्ज करेगा, प्रॉपर चार्ज नहीं करेगा, फिर भी इसमें प्रॉब्लम है, फिर भी आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो डैमेज होगी। इसके साथ व्यूअर्स, ये जो जनरेटर के नीचे आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरी फिंगर है, ये इसका कंप्रेसर है। जब आप गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है और इसके साथ जो पुली होती है वो घूमना शुरू हो जाती है। ये जो कंप्रेसर है इसका काम होता है कि गैस को कंप्रेस करके आगे भेजना। जब ये गैस को अच्छी तरह कंप्रेस करेगा तो आगे भेजेगा, उसी सूरत में गाड़ी जो है वो कूलिंग करेगी। गाड़ी के कूलिंग करने या ना करने का तल्लक कंप्रेसर के साथ नहीं होता, इसका तल्लक होता है कि अगर ये गैस को अच्छी तरह कंप्रेस नहीं कर रहा, आगे नहीं भेज रहा है, तो गाड़ी कूलिंग नहीं करेगी। गैस की कूलिंग का जो तल्लक होता है वो ज़्यादातर एक्सपेंशन वाल और इसके वेपोरेटर के साथ अटैच होता है। सो व्यूअर्स, अगर आप गौर करें तो जहाँ पर मैं आपको हाथ के साथ नीचे दिखा रहा हूँ, इस जगह पे आपको जो नज़र आ रही है वो कंप्रेसर का क्लच है। जब आप एसी ऑन करें तो इस क्लच को घूमना चाहिए। अगर ये क्लच पुली के साथ नहीं घूम रहा, कंप्रेसर की पुली के साथ, तो इसका मतलब है कि आपका कंप्रेसर ऑन नहीं है। अगर कंप्रेसर ऑन है, क्लच को घूमना चाहिए, क्लच घूमेगा। अगर क्लच नहीं घूम रहा तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का कंप्रेसर काम नहीं कर रहा। इसके बाद व्यूअर्स, ये जो आप एक पार्ट देख रहे हैं ये हर गाड़ी में होता है, चाहे किसी भी ब्रांड की गाड़ी है, इसको माउंटिंग कहते हैं। आम जुबान में यहाँ इसको फुडिशन भी कहा जाता है, लेकिन इसको ऑटोमोबाइल की ज़ुबान में जो है वो माउंटिंग ही कहते हैं। इंजन को उठाया होता है बॉडी की सपोर्ट के साथ है। इसके साथ व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये भी इसका इंजन का माउंटिंग है, ये इसको प्रेशर माउंटिंग बोलते हैं। ये इंजन का प्रेशर माउंटिंग है क्योंकि इसमें ऑयल होता है। अगर इसमें क्रैक होंगे, ये फट गया होगा या ख़राब हो गया होगा, तो आपकी गाड़ी जो है वो
मतलब ऐसा आपको फील होगा जैसे गाड़ी ज़्यादा रेस ले रही है और चल नहीं रही, या गाड़ी में इंजन में वाइब्रेशन होगी, गाड़ी की बॉडी में वाइब्रेशन महसूस होगी अगर ये माउंटिंग आपका ख़राब होगा। ये नीचे से गाड़ी की चेसिस के साथ अटैच है और ऊपर से ये गाड़ी के बॉडी और ये जो मैं आपको ऊपर वाला माउंटिंग दिखा रहा हूँ इसके साथ अटैच है। इसको भी फाउंडेशन बोला जाता है यहाँ की देसी ज़ुबान में, और इसको भी फाउंडेशन, लेकिन इसको जो है वो इसका जो ऑटोमोबाइल में इसका जो नाम है वो इसको भी माउंटिंग कहते हैं और ये भी गाड़ी का एक माउंटिंग है। इसके साथ व्यूअर्स ये जो आप देख रहे हैं रेडिएटर की बैक साइड पे आपको फ़ैन नज़र आ रहा है, ये रेडिएटर फ़ैन है। ये कुछ गाड़ियों में एक होता है, कुछ में दो होते हैं। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जब इंजन हीटअप होना शुरू होता है तो एक फ़ैन काम करना शुरू करता था, ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देता है। और जब आप एसी ऑन करते हैं तो इसके साथ कंप्रेसर ऑन होता है, इंजन के ऊपर लोड आता है, इंजन ज़्यादा गर्म होता है, उसके बाद दूसरा फ़ैन भी काम करना शुरू कर देता है। तो अगर आपका फ़ैन नहीं काम कर रहा तो इसकी ये वजह नहीं है कि आपकी गाड़ी का कंप्लीट फ़ैन ख़राब है। हो सकता है आपकी गाड़ी का फ्यूज़ फ़ैन का फ्यूज़ ख़राब हो, वो चेक करवाएं। अगर फ्यूज़ में प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी गाड़ी की जो फ़ैन के पीछे एक छोटी मोटर होती है, रेडिएटर फ़ैन मोटर से बोलते हैं, उस मोटर में फॉल्ट है, उसकी वजह से जो है वो गाड़ी का फ़ैन काम नहीं कर रहा है। इसके लिए पूरा फ़ैन जो है वो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों फ़ैन जो है वो गाड़ी के टेम्परेचर को डाउन करते हैं, इसकी हवा बाहर नहीं जाती, ये हवा को जो है वो इंजन की तरफ इस तरफ फेंकते हैं, इंजन की तरफ फेंकते हैं, बाहर की तरफ नहीं फेंकते। सो व्यूअर्स ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये तकरीबन हर आदमी को हर ड्राइवर को मालूम होता है, लेकिन कुछ ड्राइवर हजरात ऐसे होते हैं जिनको गाड़ी के इस पार्ट्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होती। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह की मजीद ऑटो से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, लेकिन एक बात हमेशा ज़हन में रखें, ड्राइव सेफ़ राइव सेफ़। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।